इनकी अहलिया इनकी लाश को घसीटे हुए इसी घर में ले जाती है, जिसके ब्लड मार्क्स यहाँ पर आपको नजर भी आ रहे होंगे। जाए वारदात की बात करेंगे, यही वो शबीर अहमद जारा का घर है और यहाँ पर ब्लड स्पॉट्स आप देख सकते हैं कि इसी दरवाजे से जब उनकी लाश को घसीटते हुए अंदर ले जाया गया, यही वो जगह है जहां पर शबीर अहमद जारा, जिसको पुलिस ने डोंट क्रॉस का भी लेबल लगा दिया है, यहां से वो निकलते हुए डायरेक्टली अपने आंगन में पहुंचते हैं। हालांकि लोगों का ये कहना है कि शबीर अहमद जारा अगर अपने घर में मौजूद थे तो रात के ही औकात में ऐसी कौन सी बला आ गई जो कि माह रमदान के इस मुबारक महीने तक का लिहाज न कर सकी, और इस मुबारक महीने में भी कश्मीर में इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। सीरियसली मैं यूं कहूं कि शर्मकुन वाकयात है, जहां पर माह रमदान का मुबारक महीना चल रहा है, लोगों को ये लिहाज नहीं है कि इतना मुबारक महीना और इतने मुबारक महीने में इस तरह के वाकयात, शबीर अहमद जारा जैसे वाकयात कश्मीर में पेश आते हैं। एक खातून यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आप यहाँ पर इनकी क्या लगती है? उसकी मामी हूं। मामी जी, क्या क्या वाकया? सुबह चार बज बजे 10 मिनट पर चार वो गोवा से फोन रोजान हुई थेर गोगजू पथरे तो दह बज 10 मिनट पे तौर गो फोन वह योत ब्रोट लाश आम अंदर त्रावन अत तोर फिक्र यह कमो मोर कित मोर तो वाक क्या बन बस बूझ इत दोन अमिस गो क्या शबीर वाक खबर क्या दलील दवान दवा वे ब्रोट मोर त्रोत ब्रोट त्रोत मोर यह तौर न फिक्र तम सात यह क्या वजह चु कम मोर क्या कित ना ना दुश्मनी के लायक ही नहीं थे। बच्चा छोटा था 10-20 साल का थोड़ा था, वो तीन शादी शादी थी 7 महीना आया था उसकी शादी बहुत घर में त्रिम ये खुदा वर जो बस पढ़ने मोल नबर गोम मोज कहीं यम लड़कों आज दमुत प्रारा दुचो बहार अम सकस दुश्मन बहार अब तक ये जिस बगीचे के खिलने का इंतजार कर रहे थे वो बगीचा ही मुरझा गया। और ऐसे वाकयात कश्मीर में पेश आना, क्राइम पेट्रोल्स के सीन कश्मीर में रिक्रिएट होना, आप सब लोगों के लिए ये मैं यूं कहूं कि हमारे लिए मामूल की बात है, लेकिन इस तरह के वाकयात इतने दूर इफ्तदा इलाके, आपको बता दूं ये जिले बड़गाम के चाडूरा इलाके से भी कई किलोमीटर बहुत ही दूर इलाका है और यहाँ पर लोगों के गुजर बसर की बात करते बहुत सिंपल लिविंग है, लेकिन ऐसे इलाके में भी दो लोग अपना घर बनाते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं और उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह के वाकयात पेश आना सीरियसली हैरान कर देने वाला है। अच्छा बोजान दपान आंगनस मे क्या था खून पेमुत बेचन अमिस छल दिख जिन छल बेस पेठ वाचमी छल पम जखम जखम मगर अच्छे पाय लगन यह कस तकरीबन कूत टाइम खानस गमित ठ मकल नाइफ तम तम तुम्हें यहाँ पर शक एक ही पर अगर इस वक्त देखे तो, क्योंकि ये अपनी अहलिया के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, हालांकि घर में मौजूद इनका एक भाई जो कि कहीं अपनी तालीम जो है वो किसी दूसरी जगह पर पढ़ रहे हैं, इनका एक भाई इनका जो वालिद है इनके वालिद साहब है वो पंजाब मजदूरी करते हैं, इनकी माँ जो इस दुनिया से हयात कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर इनके अहल खाना का कहना है कि घर में मौजूद खाली इनकी अहलिया थी और ये थे। सहरी खाने के बाद ये घर से निकलते हैं और जो कि यहाँ के लोगों की इतला है कि इनको जो है मुंह में कुछ लकड़ी का टुकड़ा था और पीछे जो सर का साइड है उस पर इनको जो है हमला किया गया था। आखिर कौन जो इनके कत्ल में मुलव्वस था? हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ इनको जो है कर्जे का के मामला थे जिस वजह से इन पे जो है दुश्मनी निकाली गई, लेकिन तब भी अभी तक एविडेंसेस सामने नहीं आए गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू की है एसएचओ चाडूरा की तरफ से अपनी टीम, हालांकि कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम भी अलग सुबह यहाँ पर मौके पर पहुंची थी जिन्होंने इनकी तबी जांच की और अभी जो इनका नमाज जनाजा इसी अपने आबाई इलाके में अदा किया गया।